सब खाली सन्नाटा। ये आगे डालो, आगे डालो, आगे डालो, सारा सन्नाटा है, हर वोल्टर है ही नहीं। डाल दिए कर थानों की हालत देखिए ना, कितने लोग बंद हैं थानों में। आप जाकर देखिए, अभी जहां खड़े थे आप, जिस मोहल्ले से सारे वोटर आने थे उसके नाके पर कितनी पुलिस लगी है, 50-60 गाड़ियां पुलिस की लगी हुई है। कैसे आएंगे लोग वोट डालने जब 500 पुलिस वाले खड़े होंगे रोकने। कुछ बात हुई आजम साहब आपकी जिला प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से, कि इस तरह की शिकायत सुन रहा है? जब आप ही लोग नहीं सुनते, जिसे चौथी आंख कहते थे, जब आपने अपनी आंख बंद कर ली तो ये तो होगा ही, देश की बर्बादी में आपका भी बड़ा योगदान होगा। 19 के लोकसभा चुनाव में 1,00,000 से ज्यादा मतों से आप जीते थे, इस चुनाव में क्या लग रहा है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? बहुत कम जीता था, मुझे 3.5 लाख वोटों से जीतना था, बेईमानी बढ़ी हुई थी, लेकिन मार्जिन बहुत ज्यादा था। पुलिस प्रशासन के दोनों की जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, बेबुनियाद। आपको क्या नजर आता है? आपने कहीं क्या जांच की? आपको क्या देखने के लिए भेजा है? पुलिस की भाषा बोलने के लिए? हम आपसे समझना चाहते हैं। हमसे क्यों समझना चाहते हैं? आपने वोटर से क्यों नहीं समझ रहे? ये खामोश दीवारों से क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? खाली पोलिंग स्टेशन से क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? भाजपा के लिए जिलाधिकारी का ये कहना है कि हमारी बात खुद उनके प्रत्याशी से हुई, हमने उनसे कहा कि अगर कुछ सच है तो शिकायत दीजिए, लेकिन नहीं दे पाए। दिख रहा है आपका कैमरा घुमाइए ना, दिखाइए, कुछ चैनल्स दिखा रहे हैं, एबीपी दिखा रहा है, आप भी दिखाइए। अगर एबीपी क्रेडिट ले रहा है तो आप भी नहीं। हम तो दिखा रहे हैं, आप तो हमें डकैत बताते हैं, आप कहाँ दिखा रहे हैं? दोनों नहीं सर, आजम भाई हर बार यही होता है समाजवादी के साथ, आखिरकार कब तक होएगा ये? कितनी उम्मीद है आपको चुनाव में दोनों सीटें? अब्दुल्ला जी आप तो कुछ बोलिए, उम्मीद का दामन तो कभी नहीं छोड़ेंगे। नकवी जी भी कह रहे थे आज सुबह बातचीत हुई कि दोनों सीटें हम जीत रहे हैं, इसलिए तो उन्हें टिकट नहीं मिला, राज्यसभा भी नहीं मिली। रामपुर से लड़ते हो सकता था, हम विचार करते यहाँ से, और यहाँ के लिए वो कभी नुकसान दे नहीं रहे, वो गंदे नहीं रहे। बिल्कुल देखिए आजम खान साहब, यहाँ जो गंदी राजनीति हुई है भाजपा के विशेष लोग वो गंदगी नहीं रही थी उनके जमाने में, जो सच है। सर क्या अपोजिशन को हार का डर है? हरीश आप बताने के लिए लाइव है सर, आप अमर साहब आजम भाई कितनी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहे हैं? हम तो जीवन हारे हुए हैं, हमें इससे ज्यादा और क्या हराएंगे? पूरा परिवार मरी हुई, माँ भी हमारी मुकदमों में है, हमें क्या हराएंगे और हमें किस चीज़ का डर होगा? और कितना डरे हम? तो सर क्या होगा, पुलिस खुलकर मदद में आ गया है सर अपोजिशन की? आपने क्या देखा अपोजिशन की? अपोजिशन की मदद में पुलिस टोपी लगी है ना? तो आप ये कह रहे हैं कि सर अभी भी ये खतरा आजम खान नाम होने या मुसलमान होने की वजह से ये चीज की जा रही है? हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, ये तो आप लोग करते हैं, खास तौर से करता है जी के पास, तो दूसरा एजेंडा ही नहीं है। आप राज्यसभा में इसीलिए भेजे गए हैं? सर आपने कहा, अरे थ्री नाराज नहीं है। अच्छा आजम साहब एक सवाल, महाराष्ट्र में आप इतने सीनियर लीडर हैं, महाराष्ट्र में जिस तरीके लीडर से चीजें, लीडर होते तो बकरी डकैत होते, मुर्गी डकैत होते, भैंस डकैत होते, शराब लूटते, मंत्री रहकर शराब लूटते, अरे जाने कितनी आजादी पीते होते। तो बट मैं चाहूंगा कि एक टिप्पणी करें कि किस तरह से हालात महाराष्ट्र में, जैसे यहाँ के जो यहाँ हो रहा है वही वहाँ हो रहा है, जो वहाँ हो रहा है वो यहाँ हो रहा है। सर आप आरोप लगा रहे हैं इतनी धांधली के बाद रिजल्ट आपको लगता है कि क्या? धांधली नहीं कह रहे हैं, धांधली में कुछ तो निष्पक्षता हो, एक तरफा है मामला। महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे इस बार? महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है, क्या कहेंगे चीजों के? इस बार महिलाओं को भी गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये मर्दानगी है सरकार की और शासन प्रशासन। बावजूद इन तमाम चीजों के आपकी पार्टी आपका कैंडिडेट जीत रहा है, आपका मन तो चारा होगा ना जीते? नहीं सर, हमें क्या लेना देना इन तमाम चीजों से? आप जो कहेंगे हम उसे जनता तक पहुंचा देंगे। आप कह रहे जो डराने की कोशिश थी, क्या कामयाबी मिली है प्रशासन को डराने के लोगों को? सब तक तो मिली है कि वोटर भागा हो गया। ये नीचे करो, आपके माध्यम से बचे हुए सिर्फ 2 घंटे में अपील करना चाहते हैं, डंडा पड़ता है डंडा पड़े लेकिन वोट डलना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि हमने वोट डाल लिया, वरना अक्सरियत पूरे जिले की ऐसी है जो वोट डाल ही नहीं पा रही,
जो घर से निकल रही है तो मोटरसाइकिलों में सूजे घुसेड़ रही है पुलिस, रिक्शा के टायर काट रही है, लोगों को पोलिंग बूथ की लाइनों में मारा जा रहा है, मशीन्स बंद कर दी जा रही हैं ये कहकर के बूथ के बाहर से लौटा दिया जा रहा है कि साहब मशीन ख़राब हो गई, और ढाई ढाई पौने तीन तीन घंटे वोटिंग को बंद रखा जा रहा है। मैंने तो कहा और ट्विटर पे भी कहा और आपके सामने भी कह रहा हूँ, कैसे चुनाव से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है ऐसे चुनाव से। अब्दुल्ला किस क्या क्यों लग रहा है कि क्या किसकी साजिश है कि इस तरह से मतदाताओं को रोका जा रहा है, वोट नहीं दिए जा रहा है? आप भी जानते हैं भाई, नहीं जीत पा रहे हैं, उसी की तो सारी कोशिश है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।